बीच बड़ी खबर बहरोड से सामने आ रही है। आपको बता दें कि संजय उर्फ मुन्ना खोरी हत्याकांड से ये बड़ा खुलासा हुआ है। बहरोड डीएसपी आनंद राव और इसके साथ ही बहरोड एसएचओ वीरेंद्र पाल बिश्नोई की बड़ी कार्रवाई। हत्या के मुख्य आरोपी अजय खोरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी को पकड़ी गई पुलिस पर अपराधी ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपराधी के पैर में गोली मारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से हत्या के बाद यहां पर जिम्मेदारी ली गई थी उस पूरे हत्याकांड में, ये पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुन्ना खोरी हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा है, जहां पर बहरोड डीएसपी आनंद राव और बहरोड एसएचओ वीरेंद्र पाल बिश्नोई की तरफ से कार्रवाई की गई है और हत्या के मुख्य आरोपी अजय खोरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अजय खोरी ने होली के दिन मंदिर से बाहर बुलाकर सरेआम हत्या की थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी और अब अजय खोरी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जब पुलिस गिरफ्तार करने गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इस दौरान पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की, जवाबी फायरिंग की, तो उसके पैरों में गोली लगी है। लेकिन पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, जिस तरीके से सरेआम लोगों के सामने होली जो कार्यक्रम था उसी दौरान ये हत्या की गई थी, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डालकर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई थी। उसके बाद पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई थी और अब ये बड़ी कार्रवाई। और चलिए एक बार फिर कर रहे हैं सुपरफास्ट खबरों की।